जय गौ माता री। भक्तों अभी एक ये बीमारी चली है गाय के, ऐसा हुआ तो अगर गाय आने वाली टाइम में एक भी गाय नहीं बचेगी, और इसके लिए हमने एक नुस्खा बनाया और नुस्खा बनाकर घर में उपयोग भी किया और गाय और एक बछड़ा बचा हमारे। उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो गाय को आपको फिटकड़ी के पानी से 20-25 लीटर पानी ले लो, और 10-15 ग्राम फिटकड़ी ले लो, और नीम की पत्ती ले लो। नीम और फिटकड़ी लेके गर्म पानी करो और उसमें रख दो, रखकर वो ठंडा पानी करके नीम और फिटकड़ी से उनको गाय को नलाओ डेली, ठीक है। जो गाय बीमार पड़ी उनको भी नलाओ और जो बीमार नहीं पड़ी उनको भी नलाओ। और जो बीमार गाय है उनके लिए आपको क्या करना है, गुगड़ धूप और गाय की गोबरी सूखी हुई और गोबरी जलाकर गुगड़ धूप कपूर और गाय का 4 बूंद घी गाय के पास में ले जाकर और उसका धुआं करे, धुआं करके और गाय के मुंह के 2 फुट दूर रखे और मुंह के आगे वो धुआं दे 2-4 मिनट, ठीक है ना, 2-4 मिनट धुआं दे गाय के मुंह के आगे। और जो गाय नहीं बीमार है उसको भी ये धुआं दे और एक काढ़ा करके पिलाना आपको। काढ़े में क्या है, हल्दी 10 ग्राम और काला जीरा 10 ग्राम और काली मिर्ची 5-7 ग्राम, ज़्यादा नहीं लेनी, 5 ग्राम ले लो, और 2-2.5 लीटर पानी, ठीक है ना। तो काली मिर्च 5-7 ग्राम और हल्दी 10 ग्राम, काला जीरा 10 ग्राम, गुड़ 100 ग्राम और गाय का घी 50 ग्राम, ये ले दो। 2.5 लीटर पानी, 2.5 लीटर पानी ले लो, उसका 1.5 लीटर लीटर भर बचे उसी टाइम ठंडा करके गाय को पिला दो। 2 टाइम गाय को सुबह शाम आपको देना है। और अब गाय बुखार में है, फुल बुखार रहता गाय को, चरती चुभती कुछ नहीं है, चाटा वगैरह कुछ नहीं खाती, फुल बुखार रहता। उस बुखार के टाइम में आप एविल गोली 3 और 3 डोलो गोली आती है, हरे पेपर में आती है, ठीक है ना, हरी पैकिंग में आती है गोली, तो सफ़ेद होती है, डोलो गोली 3 और 3 एविल गोली आप दे दो, बुखार रहता है जब। और काढ़ा दिया हुआ है तो तुरंत गोली नहीं देना, उसके 3-4 घंटा बाद में गोली देना, और गोली दी हुई है तो 4 घंटा बाद में काढ़ा पिलाना, सुबह शाम काढ़ा पिलाना है। बुखार रहता है तो उसको 3 गोली सुबह और 3 गोली शाम को एविल, और वो दोनों साथ में रोटी में या कोई भी गांठ बनाकर उसमें दो या रोटी में दे दो, वो गोली दे दो, बुखार उतर जाएगा, चारा चुगा छोड़ेगी नहीं, गाय बस जाएगी आपकी। ऐसा अगर गाय ख़त्म होगी तो आने वाली टाइम में एक ही गाय नहीं बचेगी। कोई कोई लोगों के 10-10 गाय थी, ख़त्म होगी, पूरा बाड़ा ख़त्म हो गया, एक ही गाय नहीं बची है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा करना है और भगवान की देवी देवता की आस्था तो आपको रखनी है, तो ये आप नुस्खा ज़रूर करें और ये वीडियो आगे से आगे आप भेजें। और अगर आप 10 दिनों को भेजोगे और 10 दिनों में अगर एक गाय भी बची तो आपको कितना पुण्य का मार्ग होगा, तो इसके लिए आप आगे से आगे भेजें। ये नुस्खा हमने खुद बनाया और हमने गाय को घर में भी दिया, ऐसा नहीं है कि भाई दूसरों को बताया, नहीं, घर में भी बना कर दिया। हमारी गाय बीमार रही, और बीमार भी ये ऐसी नहीं है, कम से कम 1-1.5 महीनों तक बीमार रहती है, 15-20 दिन मतलब चारा चुगा कुछ करती नहीं है, बिल्कुल उसका मुँह ही नहीं खुलता, पड़ी रहती, उठती नहीं है, बहुत तकड़ी बीमारी है, 3-4 महीने से चल रही और गायों ख़त्म हो रही है, धरती पर इतनी गायें ख़त्म हो रही है पूछो मत, लोगों का बाड़ा पूरा नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, बाड़ा खाली हो गया, ठीक है ना। ऐसा हुआ तो आने वाली टाइम में एक भी गाय नहीं बचेगी, तो गौ माता को ज़रूर कैसा भी करके अपन को बचाना है। गौ माता बचेगी तो अपन बचेंगे, और हो सके जितने जब तक आपको ये गाय का दूध दही कुछ नहीं करना है, दूध तो पहली बात होता ही नहीं है, अगर होती बीमारी में अगर हुए तो उसकी चाय दूध दही कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, दूध नहीं पीना आपको, चाय भी बनाकर नहीं पीनी है, ठीक है ना, इसका इतना ख्याल रखना आपको, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है ना। और कोई कोई गया तो ऐसी हो गई है जो उसका चमड़ी उतर जाती, नीचे पड़ जाती, उतर कर लटें पड़ जाती है, तो ये फाला होकर घाव पड़ जाता है, तो घाव के ऊपर आप क्या करें, फिटकड़ी और नीम इसका उबाल कर पानी बनाएं और वो फिटकड़ी और नीम उसके ऊपर लगाएं या स्नान कराएं लगाएं, तो उससे वो कीड़ी नहीं चढ़ेगी, मक्खी नहीं बैठेगी, तो घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो मक्खी और कीड़ी चढ़ने से मतलब घाव ज़्यादा हो जाता गाय के, तो इसलिए वो फिटकड़ी और नीम के पानी से
आप उनके नलाओगे या ऊपर पोछा लगा कर फेरोगे या लगाओगे तो कीड़ी नहीं बैठेगी, और बहुत कीड़ियाँ चढ़ती है, मक्खी बैठती है, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। ये वीडियो आगे से आगे ज़रूर आप भेजें। जय गौ माता री, जय श्री राम, जय नक्तेश बनारी।